आज की सत्संग सभा के अध्यक्ष महोदय मंच पर विराजमान सभी संत ज्योति स्वरूप जगत कल्याण पूर्ण ब्रह्म संसद गुरु संत सम्राट बंदी छोड़ संत कबीर साहेब उनके चरणों में कोटि कोटि नमन तथागत बुद्ध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संत श्रवण सतगुरुदास जी महाराज आदिनाथ गोरखनाथ जी महाराज हमारे कोटि कोटि संत सभी को सभी के चरण कमलों में वंदन करते हुए आप सभी को बंदगी करते हुए आप सभी का हृदय में सम्मान करते हुए आपकी सेवा में आचार्य संजयदास जी महाराज हरिदास आश्रम दोगढ़ से आपके बीच में है और साज पर जो आज आपके बीच में है और गुरुदयाल जी ढोलक वादक रामपुर मनियारन बेंजो मास्टर भी हमारे उधर सहारनपुर से हैं रविंद्र जी जो हमारे बीच में हैं बराबर में हमारे हारमोनियम मास्टर जी हैं सतवीर जी लगलग बदाइयां जी जो यहीं से हैं अच्छा लग रहा है और सबसे ज्यादा अच्छा तो मुझे ये लग रहा है कि आप सुन रही हैं संचालक जी ने जो कहा है ना वही सत्य है 12 के बाद तो मिलती नहीं संगत लेकिन पता नहीं सिंगावली में गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा हुई है और जो हमारे बीच से आत्मा गई है लग लग बधाइयां धन्यवाद है उस जीव को उस आत्मा को जिसके जाने के उपरांत संतों का ये समागम हुआ और पदम जी को भी लग लग बधाइयां उसके परिवार को भी लग लग बधाइयां तह दिल से हम हृदय से अभिनंदन करते हैं प्रेमी और सत्संग सबसे पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में घूमिए और किसी भी पंथ में जाइए संत कबीर साहिब की वाणी के बिना सभी पंथ अधूरे हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं प्रैक्टिकल करके देख लीजिए राधा स्वामी धनधन सतगुरु निरंकारी रविदास जी गोरखपंथी दादू पलटू नानक पंथी कहीं भी आप चले जाइए संत कबीर साहिब को सुनना ही पड़ेगा गाना ही पड़ेगा तो आप तो सबके हैं फिर राग द्वेष किस बात का जिसका सिक्का जिस गवर्नमेंट का नोट सभी राज्यों में चलता हो सभी देशों में चलता हो सर्वमान्य हो वो तो सबका बाप होता है तो हमें द्वेष नहीं करना चाहिए सभी का स्वागत करना चाहिए अंडा मांस दारू सुल्फा गांजा भांग दतुरा ये मनुष्य के लिए नहीं यदि किसी ने भूलवश इस पदार्थ का सेवन करके इसका परित्याग कर दे और कहे कि बंदी छोड़ कबीर साहेब मेरे से जाने अनजाने में जो गलतियां हुई है क्षमा याचना क्षमा चाहता हूं आज के बाद मैं इस कर्म को नहीं करूंगा घर में बुजुर्ग है माता पिता है उनकी सेवा करिए सत्कर्म करिए सतनाम से सत्संग का स्टार्ट हुआ है सतनाम धुन से स्टार्ट हुआ है वो सतनाम की धुन क्या है वो है राग द्वेष ईर्ष्या काम क्रोध मनोभंकार से परे होती है तो आइए इस माया का त्याग कर दे गति होगी यही छोड़कर के जाना पड़ेगा दम दमा दम दम बंदे इस दम का गुमान क्या बहुत बड़े बड़े चले गए तेरे पास तो समान क्या क्या है जिन्हें ज्ञान हुआ था छोड़ चले गए रानी
हम तो नहीं सोचे 10 का जा कद 20 का चला जा मारा जी बे न्यू है गे आप देखो हस्ते भी नहीं कद हस्ते भी पीछे देने पड़ जा नहीं जेब संभाल के रखना पॉकेट थाम के रखना जेब कतरे नहीं है ये संसार ये तो आपको ज्ञान की गंगा में ले जाती है और आपको भुला देती है कि आपके पास में पैसे भी हैं क्या और आप चढ़ा देते हैं पैसे। फिर बाद में मैंने देखा कि कहीं कहीं तो उमा में संजय दास जी को पैसे चढ़ा गए और जाके पसवाड़े को कह रहे पीछे है ही नहीं कहाँ गए लोगो संजय दास ले गया। तो प्रेमिया मायारी तो सुंदरी तन जाए साधु जो साधु ना जानती तसायन जाते होते। बैंजू ढोलक थोड़ा इसको स्टॉप रखो बाद में लगा लेना। माया मरी न मन मरे और मर मर गए शरीर आशा तृष्णा मरी कथ गए संत कभी। हमारे बुजुर्ग गा के गए हैं अंदर से आत्मा गदगद होती है क्योंकि स्वामी गीतादास जी महाराज ने कहा था यू ही तो मुझे ले जागा मेरा लगा नाम करो। माया को कितना भी जोड़ लीजिए एक दिन छोड़ कर के जाना ही होगा। तो कैसे समझा दिया इस वाणी में सुनिए। तेरी मननु जोड़ी थी सभी जोड़ते हैं बैंक बैलेंस करती हैं जिसके पास 1000 होती है लाख की इच्छा करता है जिसके पास लाख होते हैं वो करोड़पति बनने की इच्छा करता है लेकिन आखिर में क्या होता है। तेरी मननु जोड़ी थी माया चले गई मेरी मन को जोड़ी।
जी समझा दिया काला तीर दुआर प्रकाशो कातर मीठा तकदीर आराना घर की साजर नर नर मर की गुड़ता तर की आराना घर के लिटर काने बके माया में मन को जोड़ी माया
बात सुनिए और ध्यान से सुनिए। इस सभा के अंदर 60 बरस भी बैठे होंगे, उन्होंने 60 साल की उम्र पूरी कर ली। एक बुजुर्ग ने अपने 4 बेटे पढ़ाए, एक को इंजीनियर बना दिया, एक को डॉक्टर बनाया, एक को अध्यापक बनाया और एक को बिजनेसमैन बना दिया। और वे 4 बेटे अमेरिका भेज दिए और बुढ़ापे में बूढ़े का बोल बंद हो गया। वो भी जाए भाई, जब बूढ़े का बोल बंद हो गया ना तो घर में गां बंद रही थी और उसका बछड़ा झाड़ू खा रहा था और वो बूढ़ा न्यू हाथ करे बोलिया तो जा नहीं था, बोल तो निकड़े नहीं था, न्यू हाथ करे था। बहू ने सोची ससुर माल बतावे, ढाके वायरलेस कर दी अपने अपने हस्बैंड पे। हस्बैंड जानो, हस्बैंड एक ऐसा बैंड है जो बिना फूक मारू बजे। ड्यूटी पे ताओ और घर वाले मुंह सा बना ले, कह रहे उसकी बाद में पहले बता के बात हुई बजा लगे बिना मतलब गई। यो आया हस्बैंड तो अपने हस्बैंड पे फोन कर दिया, तेरे बापू माल बतावे तुम घड़े तावड़े आ जाओ। चारू भाई इकट्ठे हो गए, नुके लग रहे जाके की करोगे, बापू का बोल बंद हो रहा है, कुछ ऐसा इलाज करो ताकि बोल तो निकले, जीवी तो कुछ बताओगा। तो डॉक्टर साहब ने रिसर्च करी और एक 50,000 का इंजेक्शन तैयार करवाया और उस इंजेक्शन की क्वालिटी थी एक पर लगती दो ही बात कहेगा। और ठाके इंजेक्शन लेके हवाई जहाज में बैठकर इंडिया उतर गए चारू। और वो बुढ़ा तो के था, वो न्यू कह था, मैंने बहुत जतन था माया जोड़ी, तुम पढ़ाई लिखाए वहां भेज दिए और या गणे जतन था माया जोड़ी रही भी तो मैं बैठा मेरे बच्चू बच्चू झाड़ू खा लग रहा अब क्या हाल होगा। वो तो न्यू कहना चाह रहा था, उसका मकसद यो था पर बोल नहीं निकला था कहता के। इवे चारों छोरे आए और हक करी ना दक करी और 50,000 का लाठी ठोक दिया और इंजेक्शन ठुकती वो कह कह के बहन चो नाश करोगे पछड़ा झाड़ू खाकर बहुत जर हो जा। क्योंकि लग रहा जाता जाता 50,000 का और चुना ला गया, माल तो के बताता 50,000 का और गया। तो यहाँ पर कोई भी माया सगीना कुल सगया सगा नहीं परिवार, माया सगीना कुल सगया सगा नहीं परिवार। पछड़ा मिलते जीविका सगा जो सिर जनहार, सगा जो सिर जनहार, सगा जो सिर जनहार।
और यहाँ तक कह दिया पत्थर पूजे हरी मिले, मैं पूजू पहाड़ ताते तो चली संसार कर दिया और हम घुस गए। आनंद आ रहा है, किसी के घरवाले का नाम आनंद था और वो सत्संग में जाने थे रोके रहे था और कुछ कुछ सांझ को लाली था। आनंद में लाली और गैलरी में लेट गया और नो कह लगा सत्संग में चली जाइए नहीं तो लट गए मारूंगा। आनंद को नींद आ गई और वह चुप के तो उठ के सत्संग में आ बैठी और मारे भर का साध उगा रहा था पूरे अंगे ला रहा था और नो कह लेगा बेबे आनंद आ रहा पीछे तो लगता मेरे घर वाला उठ रहा है वो क्या बाबा ना आ दुनिया महाराज ने सोचा जान तो पूरी लाई आनंद क्यों नहीं ईब का होगा ईब के मैं पूरे अंगे लाऊंगा फिर अंगे लाए पूरी पूरी जान ला के गया फिर लखाई सोचा आ गया हो कह लेगी ना बाबा ना कति ना आया मेरे को बेबे आना चाहिए था कह लेगी क्यों मजे पिटवा के रह जी क्यों आना चाहिए था और फिर तू रोने दे रहा ना यारत के करे पर न्यू सोचा उसने साथी थी बेचारी चलाक थी वो केरक में वो आता हो और मना देख के वो चला जाता हो तो वह उठ के गई ज्यादा नहीं भाई चावलो
पांच ही मिनट रुकिए, बस विराम दे दूंगा। मात्र पांच, ज्यादा नहीं। उसने डर सारे लगे आनंद आने जा, और बापा ने सोचा आनंद आना चाहिए, पर फर्क इतना था सोचने में, वो अपने घरवाले को सोच रही थी और वो वाणी का आनंद सोच रहा था, फर्क यह था। उसने फिर जान लगाई, कह बेबे आनंद आया, लो कह लगी बाबा तू डट नहीं भाई, घर जाकर देखा आनंद तो चारू खाने चित, खेड़ खेड़ की नींद सो रहा। उन्हें सोची आनंद तो सो रहा, बाबा मेरे में रहके आनंद आ रहा, और आनंद तो सो रहा है, पर पता नहीं उठ के चला जाता हो कि रख मैं तू बाहर का मूसला ला दे। उन्हें कुआड़ झुकाए बाहर की कुंडी मार दी, और कुंडी मार के पलौथी मार के आराम से बैठी। बाबा ने फिर जान सी लगाई, कह रहे बेबे आनंद आया, कह लगी रात दिन किल की मार आनंद आवेदन नहीं। महाराज जी कह लगे क्यों, कह लगी मैं कुंडी मारी आई, मैं कुंडी मारी आई बार की आनंद आवे नहीं। तो जिन्होंने गटकी कुंडी मार ली ना, सत्संग में आनंद नहीं आवेगा, नहीं तो आनंद तो आवेगा गुरु साधु। और एक फेरी मन नु जोड़ी माया हो जाएगी तेरी।
सत साए संत पंडित चोर महाराज को सत साए कौन कौन हो गए हो डिगर गए क्यों करता मेरा मेरी बड़े खजाने जागा छोड़ के कुछ भी गैल चलेना तेरी यम के दूत पकड़ के ले जा गोपाल जी है बतौरे से लगभग बताया जी सम्मान करते हैं यम के दूत पकड़ के ले जा उड़ चल लेना हेरा फेरी गुगन राम भजन कर हर का मुक्ति हो जा गी तेरी और थोड़े दिन का रंग तमाशा एक दिन बिगड़ेगा खेल मन लू जुड़ी थी या माया चलेगी मेरी गेल तो भाई मैंने काफी समय ले लिया लग लग बधाइयां सिंगावली वालों और चाय का प्रसाद भी शायद तैयार है वो बीच में लेके आ रही थी और भाई जिनको थोड़ा इधर उधर घूमना है सोच